नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो आदमी अपना गांव में बैठ के छोटा मोटा बिजनेस करके हर महीने लाखों रुपया कमाने का सपना देखता है, यह बिजनेस से उसका लाखपति होने का सपना पूरा कर सकते। तो आप भी पूछोगे एक सिप्स का बिजनेस करके कैसे आदमी लाखोंपति बन सकते। तो फ्रेंड, सिर्फ लाखोंपति ही नहीं, ये बिजनेस करके आप हर महीने 6 लाख रुपया कमा सकते हैं और हर साल में 70-72 लाख रुपया कमा सकते हैं। आप सिर्फ 5 रुपया में एक सिप का पैकेट बाजार से खरीदता हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि सिप बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 रुपया ही लगते। इसका होलसेल रेट है 3 रुपया 20 पैसा। और अब मैं जो मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये मशीन हर घंटा में 2000 पीस सिप्स बना सकते हर घंटा में, और ये मशीन 17 से 18 घंटा तक नॉन स्टॉप काम कर सकते। सोच सकते एक घंटा में अगर 2000 सिप्स सप्लाई कर सकते तो हर सिप्स में आपको 1 रुपया 20 पैसा लाभ होता है। तो 2000 पीस में कितना होगा, मैं 1 रुपया करके भी पाक करते तो भी 2000 रुपया होते एक घंटा में। तो आप अगर 17-18 घंटा नहीं, सिर्फ 10 घंटा भी काम कराओगे तो कितना सिप्स बन के रेडी हो जाएगा, 20,000। और 1 रुपया करके भी लाभ हो जाए तो भी 20,000 रुपया हर रोज आपको फायदा हो सकते हैं। तो दिन में अगर 20,000 रुपया हो तो महीने में कितना होते, 6 लाख रुपया। और अगर महीने में 6 लाख रुपया होते तो साल भर कितना होते, 70 से 72 लाख रुपया। तो आप अगर इस तरह ये मशीन खरीद के आपका अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते तो क्या आपका लाखपति होने का सपना सच नहीं होगा। तो फ्रेंड, आप अगर ये बिजनेस सीखना चाहते, ये मशीन खरीद के अपना बिजनेस चालू करना चाहते और A to Z इसके बारे में जानना चाहते तो वीडियो जरूर बिना स्किप करके आखिरी तक देखते रहिए। और आखिरी में आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो टिप्स से आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाएगा, आप बहुत ही आसानी से सक्सेस हो पाओगे। वीडियो शुरू करने का पहले, आप अगर मेरे चैनल में पहले बार आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इधर में देख सकते हैं प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल लगते हैं। इधर में देख सकते हैं मैं चावल और भुट्टा इकट्ठा मिल रहा हूँ। इसमें तेल और पानी दे के मिक्स करना पड़ेगा। तो देख सकते मैं जैसे मिक्स करूँगा ऐसे आपको मिक्स करना पड़ेगा, और आप जो मिक्स किया था वो ये मशीन का अंदर डालना पड़ेगा। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर से डाल देना और इधर सिप्स बांध के रेडी हो जाएगा। तो इधर में जो सिप्स आप देख रहा है ये फ्राई हुआ नहीं है, मतलब फ्राई अभी तक नहीं हुआ, ये फिर से फ्राई करना पड़ेगा। तो इधर से फ्रेंड हर घंटा में 100 किलो तक आप बना सकते सिप्स। बनाने के बाद में ऐसे पैकेजिंग कर लेना, करने के बाद इसको फ्राई करना पड़ेगा। तो फ्राई करने के लिए अलग से मशीन है, देख सकते ये मशीन में आपको फ्राई करना पड़ेगा। तो इसमें आपको टोटली 7 से 8 मशीन है जिसको आप प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मशीन है इसमें आपको फ्राई हो जाएगा, सिर्फ तो आपको बांध के रेडी हो गया और अभी वो फ्राई होके आ जाएगा, मतलब खाने का लायक बन जाएगा। अभी अब देख सकते पूरा फ्राई हो चुका है। तो ये मशीन में आप फ्राई करना, इसका काम ही ऐसा है। इसका बाद में आपको मिक्सर मशीन में डाल के इसको मसाला मिक्स करना पड़ेगा। तो पहले तो आप जितना भी, इसका भी स्पीड ऐसा है कुछ हर घंटा में 100 किलो से ऊपर कर सकते, ये मशीन भी कुछ ऐसा है हर घंटा में 200 किलो तक कर सकते, लेकिन एक बार में सिर्फ 5 किलो कर सकते, एक बार में 5 किलो से ज़्यादा नहीं देना। और इसका अंदर आपको पहले से तेल मिक्स करना पड़ेगा। तो तेल कितना मिक्स करना, 7 से 8%, मतलब 100 किलो में 7 से 8 किलो तक तेल मिक्स करना पड़ेगा मसाला अच्छा करके मिक्स करने के लिए। अभी इसमें डालना पड़ेगा मसाला, अब देख सकते हैं तेल मिक्स हो गया, अभी इसमें मसाला डाल दूंगा। तो मसाला क्या लगेगा वो जिसके पास से आप मशीन खरीदोगे वो मसाला का पूरा जानकारी दे देगा और आपको मसाला के बारे में हर जानकारी दे देगा। वो तो दे देगा आपको क्या क्या लगेगा, कैसे क्या करेगा, करना है, फिर पूरा ट्रेनिंग दे देगा। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे मसाला दे देना तो इधर में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा सिर्फ दो मिनट में आपको 5 किलो रेडी हो जाएगा। तो आप हर घंटा में 100 किलो का ऊपर ही कर पाओगे। तो मैं आपको बताते ये मिक्स होके कैसे हो गया, अभी ये खाने का लायक भी हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट ही चलाना। आप देख सकते इधर में अच्छा करके
वो तेल डालने के बाद मस्टर्ड डालने के बाद ये मिक्स हो चुका है, अभी ये खाने का लायक हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पैकेजिंग करना पड़ेगा। ये पूरा के पूरा खाने का लायक हो गया है, बस अभी पैकेजिंग करने के लिए इधर में पूरा ऑटोमेटिक एक मशीन मिलेगा आपको, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पैकेट सेट कर देना और ऊपर में आप जो स्लिप्स बनाया हुआ है वो ऊपर से डालना पड़ेगा। तो एक एक पैकेट में कितना ग्राम तक जाना है वो ऑटोमेटिक मशीन ही सिलेक्ट करेगा, अपना एक एक पैकेट में डालने का ज़रूरत नहीं। आप एक आटा डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली हर पैकेट में एक जैसा आपको डाल देगा और ऑटो फिलअप होके आ जाएगा। मतलब आप देख सकते इधर में हर घंटा में 2000 पीस तक ये बना के रेडी कर सकते, आप सोच सकते हर घंटा में। आप अगर 8 से 10 घंटा भी काम कराओगे तो भी 20-1000 पीस बन के रेडी कर सकते, इतना आसान है। और ये यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप देख सकते सिर्फ आपका जो पैकेज है वो डाल देना और इधर में आप देख सकते कितना ग्राम जाएगा वो भी इधर में आप देख सकते, वो ऑटोमेटिकली माप के फिर इसमें कवर कर रहा है। तो इसमें आपको एक ही काम है, सिर्फ आपका जो सीट से ऊपर से डाल देना और नीचे से आपको एक अलग कर लेना, क्योंकि एक बार में इसको 12 पीस कर करके रेडी हो जाते। आप देख सकते हैं अलग से ऑटोमेटिकली 12 पीस कर करके एक काट देते और ये बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। आप देख सकते मेरा पीछे कितना भी हो गया, आप भी ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इधर से देख सकते जितना भी सिप्स मेरा पीछे ये पूरा के पूरा बाजार में जाने के लिए रेडी हो गया। तो फ्रेंड आपने देख लिया ये बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, कच्चा माल क्या क्या लगेगा, कैसे आपका सिप्स आपका सामान बना पाओगे। अभी बताते ये जो मशीन है ये आपको मिलेगा कहाँ, नया दिल्ली में मिल जाएगा, नोएडा में। उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप ले सकते हैं। और इसका जो रॉ मटेरियल है क्या क्या लगेगा वो भी उसका पास मिल जाएगा, मशीन कैसे चलाना है वो भी वो लोग ट्रेनिंग कर देगा, तो आपको वो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मशीन का जो कीमत आएगा फ्रेंड लगभग 5 से 5.5 लाख रुपया आपको कीमत आएगा, एक मशीन नहीं, इसमें यूज होते 7 से 8 मशीन, सब मिला के आपको 5-5.5 लाख रुपया का अंदर ही आ जाएगा। तो आप अगर शुरू करना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और आप अगर मशीन वाला के साथ बात करना चाहते हैं तो जरूर मैं जो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं जैसे बताया था वीडियो का आखिरी में आपको ऐसे एक टिप्स दूंगा जो आप जल्दी से जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ कर पाओगे। तो बिजनेस यही है फ्रेंड, अभी का बाजार में आप देखने जाओगे तो 1 जात 2 जात नहीं 100 जात का ऊपर सिर्फ आपको बाजार में मिल जाएगा। लेकिन सवाल यही है हर सिप्स क्या एक जैसा चलता है, किसी का कम चलते है किसी को ज्यादा चलते है। तो कोई कोई सिप्स कंपनी तो अभी एडवर्टाइज भी करने लग गए। तो फ्रेंड आप अगर पहले पहले एडवर्टाइज करने जाओगे तो उसमें तो खर्चा बहुत ज्यादा आते है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए ग्रोथ टिप्स ऐसा होगा, आपका पैकेज का बाहर लिख दीजिए, पैकेज में लिख दीजिए ये पैकेज का अंदर 100 में से 1 पैकेज में 100 रुपया मिलेगा, और आप 100 पैकेट का अंदर नहीं 1000 पैकेट का अंदर पर 1000 पैकेट में 100 रुपया डाल दीजिए। तो क्या होगा वो अपना आप ब्रांडिंग हो जाएगा, अपना आप एडवर्टाइज हो जाएगा। जैसे 10 जात का सिप्स अगर कोई दुकान में रहे, कोई सिप्स में अगर ऐसा लिखा हुआ रहे ये सिप्स अगर खाओगे तो आपको 100 रुपया मिल सकते, तो आदमी कौन सा चूज करेगा जिसमें उसको फायदा होगा, जिसमें 100 रुपया मिलने का चांसेस है और क्वालिटी अगर बराबर हो तो आदमी बराबर हो 100 रुपया जिसमें फायदा हो सकते वो खरीदेगा। तो आप अगर नया भी कंपनी है तो आपका कंपनी का ब्रांडिंग आपका कंपनी का एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फ्रेंड आप अगर इस बिजनेस से इंटरेस्ट है तो फ्रेंड ये बिजनेस आप अगर करना चाहते, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप मशीन वाला के साथ अगर बात करना चाहते तो वो कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते। और ऐसे अगर लेटेस्ट वीडियो ऐसे बिजनेस आइडिया अगर आप बार बार देखना चाहते तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। और आप अगर चाहते जब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आइडिया एक साथ में देखना चाहते तो मेरा चैनल का अंदर पहले से बहुत सारे बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो बना के रखा हो वो देख सकते, मेरा नया वीडियो देखने के लिए इंतजार कर सकते। तो फ्रेंड मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना, नमस्कार।